अस्सलाम वालेकुम, मैं समी बलोच समी सुशीर गवादर। आज ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट लाया हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्ट है अभी के लिए और फ्यूचर के लिए, और वो भी इंडस्ट्रियल लैंड है गवादर में, और 1 एकड़ का पीस है और बहुत ही बेहतरीन पीस है। और ये ज़मीन कहाँ पड़ती है, इसकी वैल्यू क्या है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करता जाऊँगा इस वीडियो में। और इस ज़मीन के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन होंगे इंशाल्लाह आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसमें साथ साथ ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस ज़मीन की वैल्यू ये है कि ये बिल्कुल जो एक्सप्रेसवे निकल रही है, जो पोर्ट का भी जो रास्ता तैयार होने वाला है, इसके बिल्कुल अपोजिट से निकल रही है। ये जो देखें ये ज़मीन है, ये ज़मीन यहाँ पड़ती है, ठीक है, ये ज़मीन यहाँ पड़ती है और एक्सप्रेसवे यहाँ पे निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेसवे निकल रही है कोई मेदी के, बिल्कुल कोई मेदी के यहाँ से जो ये है ना, इस तरह को ये जो एक्सप्रेसवे आ रही है, और एक्सप्रेसवे इस तरह और इस तरह यहाँ से होता हुआ इस तरह, ये देखें ये प्रिजोन है ना, प्रिजोन को टच करता हुआ एक्सप्रेसवे निकल रही है। और ये ज़मीन की वैल्यू ये है कि ये आने वाले इंशाल्लाह कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और फ्यूचर में भी आप लोगों को बेनिफिट देगी। और अभी इंशाल्लाह एक साल के अंदर इंशाल्लाह कम से कम ये आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकता है ये ज़मीन, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल लैंड है। और इंडस्ट्रियल लैंड के आपको गवादर में इन फ्यूचर की कितना वैल्यू होगा वो तो सबको पता है कि गवादर जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना है पूरी दुनिया में, और तजारत गवादर से शुरू होना है पूरे पाकिस्तान का, और लाजमी है ये इंडस्ट्रियल प्लाट की कितनी वैल्यू होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सब सब पता होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि ये लैंड बहुत ही मुनासिब और इन्वेस्टेड में मेरे पास आया हुआ है। अगर 1 एकड़ चाहिए, 2 एकड़ चाहिए, 3 एकड़ चाहिए, 6 एकड़ तक ये यहाँ पर इस एरिया में मेरे पास 6 एकड़ तक अवेलेबल हैं। अगर किसी को एक चाहिए एक भी मिल सकता है, 2 चाहिए 2 भी मिल सकते हैं, 3 चाहिए 3 भी मिल सकते हैं, जितने आप लोगों को चाहिए वो इतने ही मिल सकते हैं आप लोगों को। ये देखें ये लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आने वाले वक्त में, और ये आपको समझ लीजिएगा कि इस टाइम फ्री में मिल रहा है, और फ्री में मिल रहा है, और आप आए इन्वेस्ट करें इसमें, अपना पैसा सेव करें, अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस वजह से ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का गवादर का हर एरिया का पता चले और हर लैंड का पता चले कि गवादर में कौन सी लैंड की कितनी वैल्यू है। मेरे पास हत्ता कि यहाँ भी लैंड है, यहाँ वेयर हाउसेज में यहाँ भी मेरे पास वो लैंड आई हुई है, और यहाँ पे जो यहाँ और मैं अभी इनका रेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो डब्ल्यू में रेट आया हुआ है यहाँ पर वो 10 लाख है पर एकड़, 10 लाख। और यहाँ पे जो आया हुआ है M1 पे आया हुआ यहाँ पे रेट 16 लाख है, ठीक है। और ये M1 है, ये इंडस्ट्रियल लैंड है, और वो जो है वो वेयर हाउसेज है। अब देखिए मैं आप लोगों को ये वाजा करता चलूँ कि यहाँ देखें M1 देखें, ये देख लीजिएगा M1 है इंडस्ट्रियल लैंड, ठीक है, Type 1 इंडस्ट्रियल लैंड। और जो W है देखें, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसेज लैंड, ये बहुत वैल्यूएबल लैंड है इन फ्यूचर में। अगर आज आप इन्वेस्ट करेंगे और आने वाले वक्त में आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं गवादर से, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं, ये जो आप लोगों की जो इन्वेस्ट है ये आप जब हमारे साथ करेंगी आप सेफ़ एंड सिक्योर होगी इंशाल्लाह। ज़मीन की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी अल्लाह के हुक्म से, और इंशाल्लाह जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा हम खुद करके देंगे, ट्रांसफ़र रजिस्ट्री ये हम आपको करवा के देंगे, सिर्फ पीस आप लोगों को देना होगा। और इस ज़मीन के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो मुझसे रब्ता कर सकता है। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।